नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, बहुत लोगों की डिमांड आप में से आ रही थी कि यार फायरवॉल्स क्या हैं और ये जो है क्या इनके एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज है, क्या करता है ये फायरवॉल और किस तरह से ये हमारे नेटवर्क को जो है प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ये सारी डिटेल की फायरवॉल क्या है, किस तरह से काम करता है और किस तरह से ये जो हमारे पूरे नेटवर्क को, हमारे डेटा को सिक्योर करता है और इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं, जरा डिटेल में समझते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि चैनल आप लोगों की सपोर्ट की वजह से जो अब बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों, आगे एक और इन्फॉर्मेशन छोटी सी देनी है कि 1 अप्रैल से जो है CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग का कोर्स जो है स्टार्ट हो रहा है। आपको मेरा मोबाइल नंबर जो है, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको यहाँ स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जल्दी से जो है अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, तो अगर आप करना चाहते हैं ये कोर्स मेरे साथ तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कीजिए और आगे जान लीजिए इसके फीस स्ट्रक्चर और बाकी सारी जो फॉर्मेलिटीज के बारे में। तो चलिए अभी चलते हैं हमारे सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहीं चल के दिखाता हूं कि क्या है एडवांटेज और क्या है डिसएडवांटेज, क्या है ये फायरवॉल। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले कि फायरवॉल है क्या। अगर फायरवॉल की बात करूं तो दोस्तों, ये एक ऐसा नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। ये हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकता है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है, जो कि हमारे इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही ट्रैफिक्स को जो है मॉनिटर करता है, उनको जो है चेक करता है, उनके ऊपर जो है अपने रूल्स लगाता है जो हमने डिफाइन किए हुए हैं। अब यहाँ पे जो है ये फायरवॉल जो है हमारे चाहे प्राइवेट नेटवर्क हो, पब्लिक नेटवर्क हो, दोनों ही तरफ से, यानी कि दोनों ही एंड से हमें सिक्योरिटी प्राइवेट प्रोवाइड करता है कि जो कंटेंट इनसाइड आ रहे हैं, यानी कि पब्लिक नेटवर्क से प्राइवेट नेटवर्क की तरफ आ रहे हैं, उनको भी ये जो है मॉनिटर करता है, उनको भी यहाँ पे एग्जामिन करके जो है आगे कंटेंट्स को भेजता है, पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है। और वहीं पे अगर जो हमारे प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क में जा रहे हैं, वहां पर भी अगर हमने कुछ रूल्स लगा रखे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, वहां पर भी ये पूरे सभी पैकेट्स को एग्जामिन करता है, मॉनिटर करता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है पब्लिक नेटवर्क के अंदर जाने के लिए अलाउ करता है। अब दोस्तों, बात करते हैं टाइप ऑफ फायरवॉल्स की। फायरवॉल जो है बेसिकली दो तरह के होते हैं, पहला होता है हार्डवेयर फायरवॉल, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर फायरवॉल। चलिए वन बाय वन इन दोनों को जो है थोड़ा ब्रीफ करके देखते हैं कि ये हार्डवेयर फायरवॉल क्या है और सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो है वो क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं हार्डवेयर फायरवॉल की तरफ। और हार्डवेयर फायरवॉल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, यहाँ पे हार्डवेयर फायरवॉल जो है ये हमें एक ऐसे स्टैंडअलोन डिवाइसेस हैं, ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हमें परचेस करने पड़ते हैं, जो कि बेसिकली बड़े बड़े जो नेटवर्क्स होते हैं वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और स्पेशली ये जो है ब्रॉडबैंड राउटर्स वगैरह जो हैं उनके अंदर भी ये इंप्लीमेंट किए जाते हैं, यानी कि हमें हर चीज जो है इसमें खरीदनी पड़ती है। ये हार्डवेयर जो फायरवॉल्स हैं दोस्तों, ये जो है बेसिकली हमारे नेटवर्क में एक जगह ऐसी लोकेशन पे लगाए जाते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं, जहां पे पब्लिक नेटवर्क यानी कि इंटरनेट से ट्रैफिक हमारी प्राइवेट नेटवर्क के अंदर एंट्री कर रहा है। और वहीं पे अगर हमारा प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क पे जो ट्रैफिक जाने वाला है, जहां पर ये दोनों नेटवर्क जो है आके मैच मिलते हैं, उस लोकेशन पे जो है फायरवॉल को लगाया जाता है ताकि दोनों तरफ की सिक्योरिटी जो है करी जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर फायरवॉल की। तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो है बेसिकली हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे वो हमारे विंडोज हैं, मैक है, किसी भी तरह के सिस्टम्स हैं, उनके अंदर इनबिल्ट जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल भी बनाए गए हैं, ताकि हमारे जो प्राइवेट नेटवर्क है, क्योंकि अगर हार्डवेयर की बात करें तो वो तो बड़े बड़े लेवल पे लगाए जाते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो हमारे लैपटॉप्स के अंदर, हमारे कंप्यूटर्स के अंदर अगर हम पर्सनली इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आए दिन जो है हम जानते हैं सभी की इंटरनेट जो है वो कहीं पर भी सिक्योर नहीं है और बहुत सारे ऐसे अनवांटेड लोग जो हैं, यूजर बैठे हुए हैं इंटरनेट के ऊपर जो कंटिन्यू एक्सेस करना चाहते हैं हमारे प्राइवेट इंफॉर्मेशन को।
दोस्तों ऐसे में जो है हमारे पास फायरवॉल जो है सॉफ्टवेयर बेस भी अवेलेबल है जो हमारे नेटवर्क्स को सॉरी हमारे पूरे सिस्टम को सिक्योर करते हैं नेटवर्क से कम्युनिकेट करने के लिए। दोस्तों ये जो है हमारे फायरवॉल जो है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जो है एक इंटरनेट का गेटवे की तरह काम करते हैं ताकि हमारा जो इंटरनेट है जब हमारे सिस्टम में एंटर हो रहा है आउट जा रहा है वहां पर ये पैकेट फिल्टरिंग और सारी चीजें जो है जो अनवांटेड पैकेट्स हैं उनको जो है हमारे सिस्टम के अंदर नहीं आने देते। दोस्तों अगर बात करें कि फायरवॉल जो है वो किस लॉजिक के ऊपर काम करता है, अगर लॉजिक की दोस्तों बात करें तो ये फायरवॉल जो है वो हमारे तीन लॉजिक के ऊपर काम करते हैं। पहला आता है पैकेट फिल्टरिंग। अब बेसिकली पैकेट फिल्टरिंग क्या है कि जो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं यानी कि जब भी हम कोई फायरवॉल इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे ये जो है हमारे पैकेट्स कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, अगर बड़े फायरवॉल्स हैं तो वहां पे हमें ये पॉलिसी जो है इंप्लीमेंट करनी पड़ती है मैनुअली, चाहे वो आईपी के द्वारा अगर कोई अनवांटेड आईपी एड्रेस है जहां से हम बिल्कुल ट्रैफिक रिसीव नहीं करना चाहते हम वो आईपी बेस पे भी ले सकते हैं, या फिर जो है हम स्पेसिफिक अगर कोई यूजर है तो उसके जरिए जो है हम कोई भी ट्रैफिक एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो हम उसके जरिए भी यहां पे उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बड़े लेवल पे। लेकिन जो प्री डिफाइंड यानी कि सॉफ्टवेयर बेस्ड जो हमारे पास सिस्टम्स के अंदर जो फायरवॉल इंस्टॉल रहते हैं उनके अंदर ये चीज जो है एक बहुत ही यूनिफॉर्मली डिजाइन करी गई है ताकि हमारे एज अ नॉर्मल यूजर क्या पैकेट जो है हमारे सिस्टम के लिए सही है क्या पैकेट गलत है उन चीज को जो है मॉनिटर करके यहाँ पे पैकेट फिल्टरिंग वगैरह करी जा सके। दोस्तों दूसरा जो लॉजिक आता है वो आता है प्रॉक्सी सर्विसेज। प्रॉक्सी सर्विसेज ये फायरवॉल क्या करते हैं कि ये थोड़ा सा गेम प्लान करते हैं, जैसे कि हम अपनी जिंदगी के अंदर गेम प्लान करने थे अगर कुछ गलत काम करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमें जो है कोई किसी भी तरह से ट्रेस ना किया जाए। तो सेम चीज जो है प्रॉक्सी फायरवॉल जो है प्रॉक्सी लॉजिक जो है इसका वो भी इसी तरह से काम करता है, जैसे कि हमारा जो सिस्टम है हमारे नेटवर्क की अगर हमारा सिस्टम जो है इंटरनेट पे कोई चीज एक्सेस करना चाहता है तो ये प्रॉक्सी फायरवॉल्स क्या करते हैं इस लॉजिक के अंदर जो है वो क्या करता है कि हमारे सिस्टम के जो हेडर्स गए हैं उस पैकेट के अंदर उन हेडर्स को रिप्लेस करके जो है कुछ और हेडर्स डाल दिए जाते हैं, खुद के हेडर्स डाल देता है ताकि जब वो इंटरनेट पे जाएं वो पैकेट तो वहां पे कोई भी जो है हमारे उन पैकेट्स को कहां से आए हैं ओरिजिनल लोकेशन जो है वो हमारी डिस्क्लोज ना कर सके, और ऐसे में जब वो पैकेट वापस वहां पे पहुंचता है यानी कि उसका रिप्लाई आता है फायरवॉल के पास वो सही हेडर को वापस से रिप्लेस करता है और एंड यूजर को वापस से सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये है प्रॉक्सी सर्विसेज। अब अगर बात करें तो तीसरा जो कि है स्टेटफुल इंस्पेक्शन की अगर लॉजिक की बात करें तो बेसिकली जो भी फायरवॉल्स हैं वो हमारे कंटिन्यू जो है हमारी हिस्ट्री मेंटेन करते हैं हमारी एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं तो ऐसे में हमारे हिस्ट्री उसके पास पड़ी होती है तो इन केस अगर कोई भी गलत अनवांटेड यूजर जो है अगर हमारे उस नेटवर्क के थ्रू एंटर करने की कोशिश करता है तो ऐसे में कुछ अलग पैकेट जो है उसको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में जब वो चेक करता है कि हमारा जो है हमने कमांड अगर youtube.com ओपन करने की दी है और यहाँ पे जो पैकेट्स हैं वो कुछ और कंटेंट कैरी करके लेके आ रहे हैं तो ऐसे में जो है ये उस चीज को एग्जामिन करके जो है पैकेट्स को ब्लॉक करता है हमारी जो हिस्ट्री जो उसके पास अवेलेबल है उसके बेस के ऊपर जो ये चीजों को ब्लॉक करता है उसको कहते हैं स्टेटफुल इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि हमारी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है ये कई बार जो अगर ऑल ऑफ अ सडन अगर ट्रैफिक कहीं इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो ऐसे में भी जो है यहाँ पे ये चीज एक्टिवेट होती है कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ऐसा कुछ गलत उसको लगता है तो वो जो है पैकेट्स को ड्रॉप करना स्टार्ट कर देता है। तो ये तीन लॉजिक के ऊपर जो है पूरे फायरवॉल काम करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। दोस्तों अगर एडवांटेज की बात करें यहाँ पे तो सबसे पहला आता है लो कॉस्ट। यहाँ पे जो है अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो हमारा जो वैल्यूएबल डेटा है हमारी जो प्राइवेसी है उसकी कॉस्ट कहीं ज्यादा है और यहाँ पे अगर हम अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने पैकेट्स की सिक्योरिटी के लिए अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए अपने प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए अगर छोटी सी अगर कॉस्ट हमें पे करनी पड़े तो ऐसे में मैं मानता हूं कि ये जो है हमारे लिए फायरवॉल जो है बहुत ही लो कॉस्ट जो वो यहाँ पे सामने आते हैं। वहीं पे अगर पैकेट फिल्टरिंग जो है वो हमारे करंट नेटवर्क जो राउटर्स हैं उनके जरिए जो है ये बहुत ज्यादा अगर हमारे नेटवर्क के अंदर पहले से राउटर्स लगे हुए हैं उनका भी इस्तेमाल करके ये क्या पैकेट फिल्टरिंग में और ज्यादा एडवांसमेंट लेके आता है फायरवॉल। और वहीं पे अगर तीसरा पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे
सिक्योरिटी ट्रांसपेरेंट जो है वो सिक्योरिटी जो है हमारे पूरे नेटवर्क के अंदर एंड यूजर तक जो है ये प्रोवाइड करता है। तो ये एक खासियत है हमारे फायरवॉल्स की। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे जितने भी हमारे फायरवॉल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन हमें सिर्फ लॉजिक क्लियर होने चाहिए। अगर हमारे पास लॉजिक क्लियर है तो हम बहुत ही आसानी से जो है फायरवॉल्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वहीं पे अगर पैकेट फिल्टरिंग की अगर जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है ये पैकेट फिल्टर को बहुत ज़्यादा फास्ट फिल्टर करता है और फास्ट फिल्टर करके हमें जो है आगे ट्रैफिक को पहुंचा देता है। आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जनरली जो है ये जो फायरवॉल्स हैं हार्डवेयर बेस्ड जो फायरवॉल्स हैं ये बहुत ज्यादा फास्ट जो है काम करते हैं, यानी कि पैकेट फिल्टरिंग को बहुत ही फास्ट फिल्टर करके जो है एग्जामिन करके आगे फॉरवर्ड करते हैं ताकि हमें जो है एकदम रियल टाइम जो है रिजल्ट मिलता रहे। तो सब बात करते हैं डिसएडवांटेज की फायरवॉल की। तो हमें सभी को पता है कि अगर किसी चीज का एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज भी डेफिनेटली होते हैं। वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करें अगर हम सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास जो है डिग्रेड हो जाती है हमारी सिस्टम की, हमारे नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी डिग्रेड हो जाती है। तो ऐसे में जो है क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है वो हमारे पूरे नेटवर्क को एनालाइज करता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है वो इतनी ज्यादा जो है फास्ट फिल्टरिंग करके एग्जामिन करके पैकेट को ट्रांसफर नहीं कर पाता है, इसलिए सॉफ्टवेयर बेस्ड जो हमारे फायरवॉल सिस्टम्स हैं वो जो है अगर हम अवॉइड करें तो वो ज्यादा बेहतर है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो है कॉन्फ़िगरेशन एंड मेंटेनिंग की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन और मेंटेनेंस जो है वो थोड़ा सा कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक बार जब हम फायरवॉल के अंदर पॉलिसीज मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी टाइम टू टाइम हमारे पास पॉलिसीज इतनी ज्यादा इंप्लीमेंट हो जाती हैं। तो उस ऐसे में अगर जब बात करें मेंटेनेंस की तो मेंटेनेंस जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर पॉलिसी के बारे में या तो आपको पूरी जानकारी हो, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपके लिए हर पॉलिसी को एक्टिवेट करके चेक करना और किसी गलत पॉलिसीज को हटाना, नई पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना, ये थोड़ा सा कई बार जो है डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, मुमकिन हर चीज होती है। वहीं पे अगर बात करें दोस्तों समटाइम जो है ये डिफिकल्ट हो जाता है कि हमारे सॉफ्टवेयर बेस अगर हमारे सिस्टम्स के अंदर अगर फायरवॉल डले हुए हैं तो उनको अगर पूरी तरह से हम रिमूव करना चाहें तो पूरी तरह से वो रिमूव नहीं होते। नेटवर्क फायरवॉल्स की अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे जो है कई बार हमारी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा इंसान है जो हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन है उसको अगर जान लेता है तो वो क्या करेगा कि गलत काम करने के लिए सही चीजों का इस्तेमाल करता है, और जब सही चीजों का इस्तेमाल करके जो है एक नॉर्मल यूजर बनके अगर वो हमारे नेटवर्क में डेटा को ट्रांसमिट करता है तो ऐसे में क्योंकि हमारा फायरवॉल भी जो है उसको एक नॉर्मल यूजर की तरह, एक नॉर्मल ट्रैफिक की तरह जो है ट्रीट करता है, तो ऐसे में वो पैकेट जो है हमारे सिस्टम्स तक, हमारे नेटवर्क तक पहुंच जाते हैं और तभी जो है हमारे नेटवर्क के अंदर या हमारे सिस्टम्स के अंदर जो है बहुत सारी मुश्किलें भी हमें उठानी पड़ जाती हैं, डेटा लॉस हो जाते हैं या हमारे नेटवर्क्स के अंदर बहुत सारी तबाही जो है वो मच जाती है। तो दोस्तों ये जहां पे एडवांटेज है वहां डिसएडवांटेज तो हर जगह पे होंगे ही होंगे। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें फायरवॉल्स को और ज्यादा इंप्लीमेंट करने की, कोई ना कोई जो गलत काम करने वाले हैं वो एक नया जरिया, जो एक नया तरीका तो ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है कि भले एडवांटेज और डिसएडवांटेज अवेलेबल है, हमें सिर्फ जो है एडवांटेज की तरफ ध्यान रखना है कि एज अ नेटवर्क इंजीनियर, एज अ आईटी हेड, एज अ आईटी एडमिन जो है हमें हमारे शोल्डर्स के ऊपर जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रस्ट बना के रखा हुआ है तो हमें जो है हमेशा ये चीज ट्राई करनी चाहिए कि हमारे नेटवर्क, हमारे अंडर में जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का डेटा दिया गया है उसको किस तरह से हम सिक्योर करके रख सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि ऑलवेज यूज हार्डवेयर नेटवर्क जो है, हार्डवेयर जो फायरवॉल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर आप उनको यूज करें, प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें, प्रोफेशनल्स के साथ में जो है इंप्लीमेंट करवाएं, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्लैरिटी आपको चाहिए है तो आप डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए तो इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आते रहता हूं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।